वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हम जानेंगे कि कैसे हम स्टार्स को त्रिशूल सिंबल शेप में प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर एक डायग्राम को, जो डायग्राम हमने आपको समझाने के लिए प्रिपेयर किया। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ कॉलम नंबर डिफाइन किए, साथ ही कुछ रो नंबर डिफाइन किए। इन रोज और कॉलम की मदद से हम इन स्टार्स को प्रिंट करेंगे। और जैसा कि अभी आप ये स्क्रीन पर त्रिशूल सिंबल पैटर्न को देख रहे हो, सेम एज इट इज हम आउटपुट स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए इसको प्रिपेयर करते हैं और बनाते हैं पायथन की एक नई फाइल, और उस फाइल का नाम भी सेम ही रख लेते हैं, त्रिशूल शेप रख लेते हैं। ठीक है, त्रिशूल शेप हमारे यहाँ पर एक फाइल प्रिपेयर हो चुकी है। अब बात करते हैं इस डायग्राम की। तो हम फर्स्टली इस फाइल को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको कोड अच्छे से विजिबल हो, और ये जो डायग्राम है इसको डाउन साइड ओपन कर लेते हैं ताकि जब ऊपर हम यहाँ पर कोडिंग करेंगे तो आपको क्या करना है, एक एक लाइन डायग्राम में अच्छे से देखना है और समझना है कि कौन सी लाइन हमने क्यों लिखी है, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ इस कोडिंग पार्ट को एक प्रिंट स्टेटमेंट के साथ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ त्रिशूल सिंबल इज अ वेरी पावरफुल सिंबल एट द रेट लॉर्ड शिवा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस डायग्राम में हमें क्या प्रिंट करना है। देखिए हमें रोज और कॉलम को प्रिंट करना है। तो जब भी हमें रोज और कॉलम को प्रिंट करना होता है वहां पर हम यूज करते हैं फॉर लूप का, क्योंकि हम फॉर लूप के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो चुके हैं। तो इस लेक्चर में भी हम फॉर लूप का ही यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर रो इन रेंज फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये रेंज फंक्शन क्या करता है। देखिए बेसिकली रेंज फंक्शन का काम यहाँ पर ये होता है कि आपके फोर लूप को कितने टाइम चलाना है, ये काम करेगा रेंज फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100, तो ये क्या करेगा 100 टाइम्स तक आपके फोर लूप को चलाएगा। लेकिन फिलहाल में हमें 100 टाइम्स तक चलाने की इसको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर हम डायग्राम में रोज की जो वैल्यू है उसको देखें तो वो है 0 to 11, तो टोटल कितने होता है 12। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपका जो रेंज फंक्शन है ना उसकी रेंज होती है या फिर वो वेरी करता है n माइनस 1 वैल्यू तक। तो अगर आप यहाँ पर 12 को मेंशन कर रहे हो तो वो 11 तक ही जाएगा। तो आपका रोज का काम हो चुका है। सेम काम करेंगे हम कॉलम के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर कॉलम इन अगेन रेंज फंक्शन। ठीक है, कॉलम की जो वैल्यू है हमारे पास 0 to 10, तो टोटल कितने होते हैं 11। ठीक है, हमारा कॉलम का काम हो चुका है। अब बात करते हैं कि कहां पर हमें इन स्टार्स को प्रिंट करना है और कहां पर नहीं करना है। देखिए मैं यहां पर डायग्राम में माउस से मार्क करता हूं, ये जो दो स्टार्स के बीच में स्पेस है ना, इस स्पेस को भी हमें कहीं ना कहीं डिफाइन करना होगा। तो वो जो कंडीशन वाले काम होते हैं वो हम पाइथन प्रोग्रामिंग में करना है इफ एल्स कंडीशन की मदद से, कि कहां पर हमें क्या करना है। ये सारी कंडीशनल वाले काम हम पाइथन प्रोग्रामिंग में इफ एल्स कंडीशन की मदद से करते हैं। तो सेम एज इट इज यहां पर भी हम इफ कंडीशन का यूज करेंगे। इफ कंडीशन के अंदर हम वो सारी कंडीशन मेंशन करेंगे जहां जहां पर हमें इन स्टार्स को प्रिंट करना है, और बाकी का जो पार्ट है मतलब स्टार की जगह पर हमें स्पेस को प्रिंट करना है ना, दो स्टार के बीच में जो स्पेस है उसको कहां पर डिफाइन करेंगे, तो वो हम एल्स कंडीशन में डिफाइन करेंगे। तो फर्स्टली काम क्या करते हैं, इफ कंडीशन के अंदर वो सारी कंडीशन मेंशन कर देते हैं जहां जहां पर हमें स्टार्स की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए एक एक कंडीशन यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप रो नंबर 5 को देखोगे तो रो नंबर 5 पूरी तरह से प्रिंट किया गया है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं रो इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारा रो 5 का पूरा स्टार्स प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हमें पूरे स्टार्स रो 5 के प्रिंट नहीं करना है। तो उसके साथ हमें कंडीशन बतानी होगी कि कहां से कहां तक हमें रो नंबर 5 के स्टार्स को प्रिंट करना है। तो वहां पर हमारा होना चाहिए कॉलम ग्रेटर देन 1, मतलब 2 से स्टार्ट करना है, एंड हमें कहां तक जाना है 8 तक जाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉलम लेस देन 9। इसका मतलब क्या होगा कि ये कॉलम नंबर हमारा क्या करेगा, 2 से स्टार्ट होकर 8 तक जाएगा। तो हमारा यहाँ पर रो नंबर 5 के सारे स्टार्स का जो काम था वो हो चुका है। तो और ऑपरेटर के साथ अगली कंडीशन यहाँ पर लिखते हैं। अगली कंडीशन में हमें रिक्वायरमेंट है स्टार्स की, जो कि है कॉलम नंबर 5 के। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉलम इक्वल टू 5, लेकिन कॉलम नंबर 5 के सारे स्टार्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कॉलम नंबर 5 पर जो रो नंबर 5 का स्टार आएगा ना उसको हम ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं। तो एंड ऑपरेटर के साथ मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि रो नंबर 5 का जो स्टार है उसको आप छोड़ देना, बाकी के सारे स्टार्स को कॉलम नंबर 5 के हमें प्रिंट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रो नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रो नंबर 5 के स्टार को छोड़कर कॉलम नंबर 5 के सारे स्टार्स को ये प्रिंट कर देगा। तो और ऑपरेटर के साथ यहां पर बढ़ते हैं अगली कंडीशन की, और अगली कंडीशन हमारे पास जो है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट हमारे पास स्टार है वो है कॉलम नंबर 1 के। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कॉलम इक्वल टू 1, लेकिन ये क्या करेगा, कॉलम 1 के सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा, लेकिन हमें कॉलम नंबर 1 के सारे स्टार्स को प्रिंट नहीं करना है। तो हम यहां पर देखिए कुछ मैचेस देखते हैं, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 9 के सेम स्टार्स को हमें प्रिंट करना है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, दो कंडीशन को एक साथ लिख देता हूं। तो मैं और ऑपरेटर के साथ मैं यहां पर लिख देता हूं कॉलम इक्वल टू लाइन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, कॉलम 1 और कॉलम 9 दोनों पर जाएगा। तो मैं यहां पर एक पैरेंथेसिस का और यूज करता हूं ताकि एक सेपरेट कंडीशन हो जाए, और इस पैरेंथेसिस को पैक कर देते हैं। एंड यहां पर हम कंडीशन लगा देंगे कि कॉलम 1
और कॉलम 9 के कौन से स्टार आपको रिक्वायरमेंट रखते हैं या फिर करंट क्वेश्चन के हिसाब से आपको कौन से स्टार्स को प्रिंट करना है, तो वो हमें प्रिंट करना है रो, वहां पर होना चाहिए हमारी ग्रेटर देन 1, मतलब 2 से स्टार्ट करना है। देखिए अगर आप कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 9 को ध्यान से देखोगे तो हमें रो नंबर 2 से स्टार्स की रिक्वायरमेंट है, तो अगर हम यहां पर रो ग्रेटर देन 1 लिख देंगे तो ये 2 से स्टार्ट करेगा, एंड ऑपरेटर के साथ मैं यहां पर लिख देता हूं रो लेस देन 5, तो हमें रिक्वायरमेंट है सिर्फ 4 तक की, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कॉलम 1 और कॉलम 9 के रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4 के स्टार्स को प्रिंट कर देगा। तो अभी हमारा स्टार्स का काम लगभग हो चुका है, लेकिन लास्ट कंडीशन एक बची है क्योंकि हमारे पास कुछ स्टार भी बचे हैं, तो उनके लिए हम कंडीशन लिख देते हैं। तो वो जो रिक्वायरमेंट स्टार हमारे पास बचे हुए हैं वो है रो नंबर 1 के, तो मैं यहां पर लिख देता हूं रो इक्वल टू 1, ठीक है। एंड ऑपरेटर के साथ हमें रो नंबर 1 के कौन से स्टार चाहिए, देखिए रो नंबर 1 पे हमें दो स्टार्स की रिक्वायरमेंट है, एक है कॉलम नंबर 0 के और एक कॉलम नंबर 10 का, तो हम दोनों के लिए यहां पर एक कंडीशन अलग अलग ना लिखकर एक साथ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं, इसको लिख देता हूं कॉलम इक्वल टू 0 और ऑपरेटर के साथ कॉलम इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कॉलम 0 और कॉलम 10 का जो रो नंबर 1 वाला स्टार है वो उनको प्रिंट कर देगा। तो हमारा यहां पर काम हो चुका है ऑलमोस्ट, ये सारी कंडीशन हम यहां पर इफ कंडीशन के अंदर मेंशन कर चुके हैं। ये सारी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, हमें यहां पर प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, स्टार को प्रिंट करना है, क्योंकि हम स्टार की मदद से हमारा जो त्रिशूल सिंबल का शेप है वो देखने के लिए यहां पर आए हैं। तो मैं यहां पर स्टार को मेंशन कर देता हूं, ठीक है। लेकिन हम यहां पर यूज करते हैं एंड फंक्शन का। अब आप बोलोगे सर ये एंड फंक्शन का हम यहां पर यूज क्यों करते हैं, देखिए जब भी आपको लाइन के एंड में, मतलब किसी भी लाइन के एंड में जो आउटपुट स्क्रीन पर आपके सामने जो लाइंस आती है ना, उनमें किसी भी लाइन के एंड में अगर आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन करना होता है तो वहां पर आप एंड फंक्शन का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपकी हर लाइन के एंड में 1 2 3 आए, तो मैं यहां पर 1 2 3 लिख सकता हूं, मतलब एंड फंक्शन के अंदर आप जो भी मेंशन या फिर जो भी लिख देते हो वो सेम एज इट इज आपके लाइन के एंड में चला जाता है। तो मैं अगर यहां पर 1 2 3 लिखूंगा तो ये सेम एज इट इज हर लाइन के एंड में 1 2 3 को ऐड कर देगा, लेकिन फिलहाल में हमें 1 2 3 नहीं चाहिए। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा स्टार के बाद एक स्पेस आए ताकि हमारा जो त्रिशूल का सिंबल का शेप है ना वो बढ़िया से विजिबल हो, मतलब अच्छा लुक वाइज अच्छा दिखना चाहिए ना, तभी तो आपको अच्छा लगेगा। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, एंड फंक्शन में एक स्पेस दे सकते हैं। तो ये क्या करेगा, आपके स्टार को एक बार प्रिंट करने के बाद एक स्पेस को ऐड करेगा, देन अगला स्टार प्रिंट करेगा, तो आपका जो सिंबल है वो बहुत बढ़िया से आपको विजिबल होगा। तो ये इफ कंडीशन का काम हमारा पास पूरी तरह से हो चुका है, तो अब बढ़ते हैं एल्स कंडीशन की ओर। तो मैं यहां पर लिखता हूं एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन में हमें सिंपल सा काम करना है कि इफ कंडीशन की वजह से जहां पर स्टार प्रिंट नहीं होगा वहां पर हम एल्स की मदद से वहां पर क्या करेंगे, एक स्पेस को प्रिंट कर देंगे, क्योंकि दो स्टार के बीच में कहीं कहीं पर स्पेस भी हमारे पास सिंबल में, तो उसको भी कहीं ना कहीं डिफाइन करना होगा, तो वो डिफाइन कर सकते हैं else कंडीशन में। तो मैं यहां पर प्रिंट स्टेटमेंट में क्या करता हूं, एक एंड फंक्शन लगा देता हूं और एंड फंक्शन को क्या कर दूंगा, एक स्पेस दे दूंगा। तो ये क्या करेगा, आपके स्पेस को सेम एज इट इज स्पेस की जगह पर, मतलब आपका जहां पर स्टार नहीं आएगा वहां पर ये क्या करेगा, एक स्पेस को प्रिंट कर देगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों कंडीशन समझ में आ चुकी होगी। अब हमारा इफ और एल्स कंडीशन का काम पूरी तरह से हो चुका है, तो अब बढ़ते हैं आगे। हम यहां पर एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करेंगे। क्यों, देखिए ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, यहां पर आपके फॉर लूप को नई लाइन देने का काम करता है। कैसे, वो मैं आपको आउटपुट स्क्रीन पर बताऊंगा। तो फिलहाल में हमारा कोडिंग का काम हो चुका है, तो इस डायग्राम को हम यहां पर कर देते हैं क्लोज और इस प्रोग्राम को करते हैं रन 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 टू द लूप। और बहुत ही बढ़िया से गाइस, देखिए जैसा कि अभी हमने यहां पर टेक्स्ट फाइल में जो त्रिशूल का सिंबल देखा था सेम एज इट इज आपके आउटपुट स्क्रीन पर भी आ चुका है। तो आई होप कि आपको ये त्रिशूल सिंबल पैटर्न यहां पर पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं कोडिंग पार्ट की ओर। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये प्रिंट स्टेटमेंट आपके फॉर लूप को एक नई लाइन देने का काम करता है, तो अगर मैं इस लाइन को यहां पर कर देता हूं कमेंट और अब इस प्रोग्राम को करता हूं रन, तो अब आपका सिंबल जो प्रिपेयर होना चाहिए था वो नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए यहां पर ये पैटर्न आपका कुछ तो भी आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये प्रिंट स्टेटमेंट का यहां पर मतलब समझ में आ चुका होगा। ये प्रिंट स्टेटमेंट यहां पर क्या करता है, आपके फॉर लूप को हर बार, जितनी बार भी आपका फॉर लूप रन होता है, हर बार एक नई लाइन
लाइन देने का काम ये प्रिंट स्टेटमेंट करता है। तो अब इस प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे तो हमारा पैटर्न यहाँ पर बहुत बढ़िया से आना चाहिए, तो बहुत बढ़िया से आ रहा है। अब बात करते हैं हमारे इस चैनल की। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको पाइथन और पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, जहां पर हमने पैटर्न प्रोग्रामिंग और पाइथन को बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है। पाइथन से रिलेटेड हमने यहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट भी डिस्कस किए जिससे आप अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।